इसराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध में अब तक 10,328 लोगों की मौत। दिल्ली शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को दूसरा समन जारी कर सकती है ईडी। मिस्र के राफा बॉर्डर के जरिए गाजा के लोगों के लिए मदद सामग्री लेकर 61 ट्रक पहुंचे। तेलंगाना में वोट से बीआरएस विधायक राठौर बापू राव बीजेपी में शामिल हुए। संसद की एथिक्स कमेटी के समक्ष पेश होने के लिए घर से निकली महुआ मोइत्रा। एमपी के सिंगरौली में अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान का आज रोड शो। केजरीवाल समेत पूरी कैबिनेट घोटालों में शामिल, ईडी के समन पर बोली बीजेपी। मराठा आरक्षण आंदोलन में छत्रपति संभाजीनगर जिले में आज इंटरनेट सेवाएं सस्पेंड। ईडी की पूछताछ से पहले राजघाट जा सकते हैं सीएम केजरीवाल, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। तेलंगाना दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी, अंबाती पल्ली में महिला सभा को करेंगे संबोधित। केजरीवाल की पेशी से पहले आपके एक और मंत्री राजकुमार आनंद के घर ईडी के छापे। तेलंगाना में पूर्व सांसद और महेश्वरम से कांग्रेस प्रत्याशी के लक्ष्मण रेड्डी और बडंगपेट मेयर के घर आईटी की रेड। विवेक विहार में आईआईटी दिल्ली के एक छात्र ने फांसी लगाकर किया सुसाइड। दिल्ली की हवा हुई बेहद खतरनाक, मुंडका में एक यूआई 616 दर्ज हुआ। दिल्ली के जाफराबाद इलाके में दो गुटों में मामूली कहासुनी के बाद चले चाकू, 6 लोग घायल। कैश फॉर कोई भी मामले में संसद की एथिक्स कमेटी के सामने आज पेश होंगी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा। क्रिकेट विश्व कप, भारत और श्रीलंका के बीच का मुकाबला होगा आज। ज्ञानवापी मामले में आज फैसला सुनाएगी वाराणसी की जिला कोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारी वापस लेने की आखिरी दिन आज। राफा बॉर्डर क्रॉस के जरिए गाजा से बाहर निकल रहे अमेरिकी सहित कई विदेशी।